Hey guys, तो आज मैं लेके आई हूँ लखनवी कुर्ती हॉल। हेलो गाइस, तो हम वापस आ गए हैं। आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया कि हमें वापस आना ही पड़ा। तो आप टाइटल से पता लगा पा रहे हो कि आज का वीडियो होने वाला है अफोर्डेबल कुर्ती हॉल। ऐसे कपड़ों की तलाश में होते हैं जिन्हें बार बार वॉश ना करना पड़े और वॉशिंग मशीन में धुल जाए और बार बार प्रेस करने की भी नीड ना हो और वो कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड जाए ही ना। तो उसके लिए सबसे बेस्ट टाइप की कुर्तियां होती हैं लखनवी चिकनकारी की कुर्तियां। अब मैंने इतना बकबक कर ही दिया है तो मैं आपको बजट के बारे में भी बताई देती हूँ, पर उससे पहले आप वीडियो को 50,000 लाइक कर दो और फिर चलो आगे का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बजट की बात करें तो जनरली जो महंगे शहर होते हैं, जैसे कि हम रहते हैं नोएडा दिल्ली में, यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं इन कंपैरिजन टू छोटे शहर जहाँ पे आप बार्गेन भी कर सकते हो और चीज़ें इन कंपैरिजन आपको सस्ते दामों में मिल जाती हैं। तो हमने ये सारी कुर्तियाँ खरीदी हैं MSK चिकन उद्योग से और हमने तो बहुत सारा सामान मंगाया है बल्क में। 2,000 से 5,000 तक की कुर्तियाँ मंगाई हैं। आप चाहो तो 2-3 कुर्तियाँ ऑर्डर कर सकते हो इनसे। तो चलो मैं आपको कुर्तियाँ दिखाती हूँ। ये सारा सामान मैंने MSK चिकन उद्योग के WhatsApp पेज से खरीदा है। सबसे पहले तो मैंने उन्हें कॉन्टेक्ट किया, फिर उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे सारा आइटम अच्छे से दिखाया। मैंने साइज कलर सब अच्छे से सेलेक्ट किया, फिर 100 रुपए का शिपिंग चार्ज देके सारे के सारे आइटम 4 से 5 दिनों में मेरे घर पे आ गए। और बाकी जो क्वालिटी की बात करें वो आप वीडियो में देख ही लोगे। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये जॉर्जेट की लॉन्ग कुर्तियाँ। अब ये वाली कुर्तियाँ ना सबसे स्टेपल कुर्तियाँ होती हैं और ये सबके वार्डरोब में मेरे हिसाब से तो होनी ही होनी चाहिए। और ये वाली कुर्तियाँ ना कभी भी ट्रेंड से नहीं जाती, तो इनको खरीद लो ज़रूर ही। और मैं आपको इनके प्राइसेस भी स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, तो चेकआउट कर लेना। और फिर चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इन्हें स्टाइल कैसे किया है। अब बात कर लेते हैं मेरे फेवरेट टाइप की कुर्तियों के बारे में। ये देख रहे हो रेड कलर का क्रॉप टॉप और लेगिंग्स, मैंने इसे पेयर अप किया है इस सुंदर से मल्टी कलर जॉर्जेट कुर्ती के साथ। इन सभी में से मेरा सबसे फेवरेट लुक ये है। आपको कौन सा लुक सबसे ज्यादा सुंदर लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इस लुक को तो ना आप लिटरली कहीं भी कैरी कर सकते हो। अब बात करते हैं मेरे सेकंड मोस्ट फेवरेट लुक के बारे में। इस लाइलैक कलर के पैंट्स और क्रॉप टॉप के ऊपर मैंने पेयर अप किया है इस वायलेट कलर की कुर्ती को और लुक बहुत ही ज्यादा प्यारा आ रहा है। और ये बड़े बड़े सिल्वर झुमके देख रहे हो और सिल्वर चूड़ियां, इसने तो ना इस लुक में एक और 4 चांद लगा दिया है। वायलेट पर्पल शेड्स तो बहुत हो गए, अब नजर डालो इस मिंट कलर की कुर्ती पे, इससे तो आपकी नजर ही नहीं हटेगी। और ये इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है ना, इस लुक को तो मैं डेफिनेटली किसी शादी फंक्शन में कैरी करने वाली हूँ और ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब बात करते हैं इन ब्लू पैंट्स और व्हाइट क्रॉप टॉप के बारे में। इसके ऊपर मैंने पेयर अप किया है सिमिलर कलर की ब्लू कुर्ती को और साथ ही पहन लिए बड़े बड़े सिल्वर झुमके और सिल्वर चूड़ियां। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, अगर आप कंफ्यूज रहते हो कि किस ज्वेलरी को किन कुर्तियों के साथ पेयर अप करें, तो एक पेयर सिल्वर झुमके खरीद लो और सिल्वर चूड़ियाँ खरीद लो और किसी भी कुर्ती के साथ पेयर अप करोगे ये आप, तो बहुत ज्यादा सुंदर आएगा आपका लुक। तो आप लोग मुझे बताओ कि इनमें से आपको कौन सी ज्यादा पसंद आई। मेरी तो फेवरेट ये पर्पल वाली है, जो कि भारती कह रही थी वो चुरा लेगी बट मैं उसे दूंगी नहीं। तो अब बात करते हैं मलमल की कुर्तियों की। काश कि आप स्क्रीन के पार आके इन्हें फील कर पाते, ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है। और जो जॉर्जेट की कुर्तियां मैंने आपको दिखाई, अगर आपको उसमें लगता है कि आपकी स्किन ज्यादा शो हो रही है तो आप इन टाइप की कुर्तियों को प्रेफर कर सकते हो। और ये ना मम्मियों को भी बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो गिफ्टिंग ऑप्शन के लिए भी बहुत सही है। तो मैं आपको अब दिखा देती हूँ कि मैंने इन्हें स्टाइल कैसे किया है। तो हम में से बहुत से लोगों को ना कुर्तियों के नीचे लहंगा या लॉन्ग स्कर्ट पहनना भी पसंद होता है, तो ये लुक आप ही लोगों के लिए, अगर आपको भी ऐसा ही कुछ लुक पसंद है। तो इस सुंदर से प्रिंटेड कॉटन कुर्ती के साथ मैंने पेयर अप किया ये मजेंटा पिंक कलर के इयररिंग्स को और लॉन्ग स्कर्ट को, जो कि लुक को बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखा रहा है। मैं बता रही हूँ, अगर घर में कोई फंक्शन है ना, तो ये लुक आपके लिए सबसे बेस्ट है।
अब बात करूं इस सुंदर से रेड कलर की कुर्ती ने जिसने मेरा दिल ले लिया, ये वाला लुक तो मेरा सबसे ज्यादा मोस्ट फेवरेट है। आप मेरी आवाज की इंटेंसिटी से ही पता लगा पा रहे होगी कि ये कितना ज्यादा सुंदर लगा मुझे ये लुक और ये कुर्ती भी। अगर कभी मेरी शादी होगी ना तो मैं नेक्स्ट डे यही वाली कुर्ती पहनना प्रेफर करूंगी। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको इन दोनों कुर्तियों में से कौन सी ज्यादा पसंद आई। मुझे तो ये रेड पसंद आई थी जो मैं पूरे वीडियो में पहन के बैठ गई हूँ। और मुझे ये भी बताओ कि ये कलर मुझ पे कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले मेरे पास है ये कॉटन की शॉर्ट कुर्ती। इसके अंदर आप कोई भी स्पेगेटी या स्लिप पहन सकते हो क्योंकि एक तो ये सी थ्रू नहीं है और गर्मियों में ना ये बहुत अच्छा रहेगा। आपको पता है कि अभी गर्मियों का टाइम आ रहा है तो ऐसी कुर्तियाँ बहुत सही रहती हैं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसे स्टाइल कैसे किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं सुंदर से पिंक प्रिंटेड कुर्ती के बारे में। ये हल्का सा सी थ्रू है तो इसके अंदर मैंने एक पिंक कलर का क्रॉप टॉप पहन लिया है। साथ ही मैंने इसे पेयर अप किया है इस मरून कलर के प्लाजो के साथ और लुक देखो बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश दिख रहा है। अब बात करूँ इस ग्रीन शॉर्ट कॉटन कुर्ती के बारे में। इस कुर्ती को मैंने पेयर अप किया है पिंक कलर के सलवार, पिंक बड़े बड़े झुमके और पिंक चूड़ियों के साथ। अब इस कुर्ती को मैंने किया है बहुत ही सिंपली कैरी जो कि आप कॉलेज में भी पहन सकते हो और इसे मैंने स्टाइल किया है डेनिम जीन्स के साथ जो कॉलेज स्टूडेंट्स को पहनना बहुत ज्यादा पसंद होती है। साथ में मैंने लगाई है बिंदी और छोटे छोटे झुमके और जुत्ती। तो आप लोग मुझे बताना कि आपको कॉटन कुर्ती में से कौन सी वाली सबसे अच्छी लगी। तो अब है मेरे पास ये जॉर्जेट की शॉर्ट कुर्ती। अब ये वाली ना थोड़ी सी सी थ्रू है, थोड़ी सी क्या पूरी की पूरी सी थ्रू है और इनके अंदर ना आपको स्पेगेटी पहनना पड़ता है जो कि इधर उधर खिसकती है ना वो अच्छी नहीं दिखती। तो इसके अंदर आप एक काम कर सकते हो कि आप एक सॉलिड क्रॉप टॉप पहन लो जो कि आपकी बॉडी से एकदम फिटेड हो तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक देगा। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस कुर्ती को भी कैसे स्टाइल किया है। कॉलेज लुक तो हो गया, अब बताती हूँ एक वेडिंग लुक। ये शिमर सी सुंदर सी लेमन क्रॉप टॉप देख रहे हो आप, इसे मैंने पेयर अप किया है येलो कलर की कुर्ती के साथ और ये लुक अगर आप वेडिंग फंक्शंस में कैरी करते हो ना आपकी फोटोग्राफ्स बहुत ज्यादा प्यारी आएंगी और आपका लुक भी एकदम हटके लगेगा। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये अफोर्डेबल कुर्ती हॉल? आई होप कि पसंद आया होगा। और इनके स्टोर में साड़ियों के ऑप्शंस और भी अवेलेबल हैं जो कि आप लोग ट्राई कर सकते हो और कमेंट में बता सकते हो कि आपको कैसे लगे ताकि हम और भी ऐसे हॉल लेके आ सके। तब तक के लिए चलो वीडियो को ढेर सारे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और ढेर सारा प्यार दिखाओ यार। तो मैं मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।